सो एक और न्यू वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है गाइस। गाइस देखो, ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर तुम अपकमिंग असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो, या फिर तुम्हारा ड्रीम जॉब है इन फ्यूचर असिस्टेंट लोको पायलट बनना, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ असिस्टेंट लोको पायलट मेडिकल टेस्ट के ऊपर। तुमको पता है या फिर नहीं पता हो तो जान लो कि इंडियन रेलवेज में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो मेडिकल टेस्ट है, मुझे जितना आइडिया है वो असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट में है। इसमें ए ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड फॉलो होते हैं। आई थिंक किसी भी पोस्ट में इंडियन रेलवेज में ऐसा नहीं है, ए ऑन मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मांगते हैं, पर असिस्टेंट लोको पायलट में मांगते हैं। और ये जो इंडियन आर्मी BSF इस रिक्रूटमेंट भी ये सब ये मेडिकल स्टैंडर्ड चलता है। तो देखो, ये तुम्हें जानना इसलिए चाहिए, और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स का डिमांड भी था हर असिस्टेंट लोको पायलट रिलेटेड वीडियो के ऊपर, मतलब कॉमेंट सेक्शन में हमेशा कॉमेंट्स करके इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछते रहते। तो मैं सोचा इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ। तो देखो, ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम इसको फोकस करके ALP को फोकस करके प्रिपरेशन ले रहे हो और तुम्हें लास्ट में पता चला कि तुम इसमें फिट नहीं हो, तो बहुत बुरा लगता है। तो पहले से तुम्हें ये मतलब एक आइडिया होना चाहिए कि ये मेडिकल स्टैंडर्ड है, ताकि उसमें तुम फिट अगर ना हुए तो दूसरे किसी जॉब के लिए फोकस कर सकते हो। अगर हो तो, अगर कुछ कुछ प्रॉब्लम है तो क्या क्या सॉल्यूशन है वो भी इसमें बताऊंगा। ऐसा नहीं है कुछ जो टेस्ट के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं ईवन मेडिकल स्टैंडर्ड में फिट होके ही फिलहाल असिस्टेंट लोको पायलट में काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं काम कर रहा हूँ। तो मेरा जितना एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूंगा, मेरे साथ कैसे टेस्ट हुआ है वो भी इसके साथ साथ शेयर करते जाऊंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, पता नहीं कितना लेंथ होगा पर बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, ये पक्का है। ठीक है, ये लास्ट में सॉल्यूशन में बताऊंगा कि क्या क्या करने से कुछ कुछ प्रॉब्लम है जो जिसका जो ठीक हो सकता है। ठीक है, देखो ये कुछ डाउट है जो भी जो कमेंट्स करते हैं, ये भी डाउट क्लियर करूंगा। पहले देखो कि मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 है, जैसे मैंने बता दिया। A1 मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या क्या होते हैं, जनरली फिजिकल फिटनेस और आई टेस्ट के ऊपर फोकस करते हैं, और सबसे ज़्यादा आई टेस्ट के ऊपर ALP में फोकस होते हैं, क्योंकि हम लोगों को हमेशा सिग्नल देख के आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि सिग्नल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिग्नल अगर कुछ उल्टा सीधा होगा तो बहुत दिक्कत हो सकता है भाई, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए आइस मतलब आँख बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो आगे बताएंगे, पहले क्या है, ब्लड प्रेशर टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट में देखो ऐसा नहीं है कि खून एक जो सिरिंज खून ले लेगा, ऐसा नहीं है। ऐसे एक किसी भी ऐसे पिन से या फिर इंजेक्शन की जो है उससे ऐसे करके इधर ऐसे किया जाता है और एक बूंद खून लिया जाता है, वो जो कि डिजिटली मशीन है ब्लड टेस्ट के लिए। जनरली ब्लड टेस्ट के थ्रू शुगर टेस्ट किया जाता है। तो शुगर टेस्ट के एक मशीन होते हैं जिसके ऊपर देने से वो डिजिटली तुरंत बता देगा, विद इन ए सेकेंड बता देगा कि शुगर क्या है, कितना है। तो शुगर टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट होता है। यूरिन टेस्ट एक ऐसे रेक्टेंगुलर पेपर देके तुम्हें भेज देगा, बाथरूम जाओ और इसके ऊपर यूरिन लगा के आओ, लगा के वो डॉक्टर्स को दिखाओ। पता नहीं इसमें क्या क्या वो कैसे चेक करते हैं, पर इसके ऊपर कुछ ऐसे रहते हैं डॉटर्स रहते हैं जिसमें कलर चेंज होता है, और किस क्या कलर से कुछ प्रॉब्लम है वो भी हमें पता नहीं, क्योंकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। तो हम लोगों को क्या है, वैसे पेपर दे के भेज दिया, यूरिन लगा के डॉक्टर्स को दिखाया और बोला ठीक है फेंक दो, और फिट हो गया। ठीक है, और किसी का कुछ प्रॉब्लम होगा तो देखेगा आगे। तो फिर ECG टेस्ट हुआ। देखिए ECG में कुछ प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का, मुझे खुद प्रॉब्लम हुआ था। क्या प्रॉब्लम हुआ था, ऐसे ECG में प्रॉब्लम नहीं हुआ था। क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में एक टेंशन बने रहता है कि जब तक 100% ये जो आई टेस्ट है ये कंप्लीट ना हुआ, तो हमेशा जितना भी आँख ठीक हो ना हो ना हो, मतलब एक टेंशन बना रहता है कि फिट होंगे कि नहीं, क्योंकि वो एकदम लास्ट में होते हैं मेडिकल टेस्ट। तो तुम्हें एक उम्मीद रहता है कि तुम ALP में कुछ महीने के बाद तुम जॉब करोगे, तो लास्ट में जब पता चला मेडिकल में अनफिट हो गए, तो इसलिए एक टेंशन बना रहता है। और जितना भी टेंशन होगा ना ECG में, उतना ग्राफ ऊपर नीचे हो जाएगा। ECG पता है ना, एक ग्राफ के में होता है। तो और ग्राफ ऊपर नीचे होने से क्या होता है, वो तुम अनफिट हो सकते हो। तो इसलिए ये जो बात है, ये बात वो जो डॉक्टर्स है टेक्नीशियन के, उन लोगों को पता है, भले मुझे पता है कि ये टेंशन की वजह से हो रहा है। तो तुम्हें 3-4 बार मौका देगा ऐसे बेड के ऊपर ऐसे सुला के ऐसे इधर उधर से कुछ दे देगा, उसके थ्रू टेस्ट होता है, और कोई शरीर में कोई मेटल चीज़ नहीं रहेगा। ठीक है, बेल्ट्स भी नहीं रहेगा। तो ये टेस्ट होता है, ये कोई उतना टेंशन नहीं है, तो फिट हो तो गुड,
हल्का उनका टेंशन होने के वजह से ये ग्राफ ऊपर नीचे होता है, तो वो टेंशन नहीं है। तो फिर चेस्ट एक्सरे ऐसे डिजिटल मशीन के आगे ऐसे खड़े होना पड़ेगा, तो खड़े होकर डिजिटली चेक किया जाएगा कि कुछ है कि नहीं, एक्सरे फिट होते हैं कि नहीं, वो चेक किया जाते हैं। देखिए हार्निया टेस्ट की वजह से कुछ लोगों का रिमेडिकल होते हैं, क्योंकि हार्निया में बहुत सारे लोग मतलब टेस्टिकल्स, इसमें जनरली टेस्टिकल्स चेक किया जाता है, इसमें पानी पानी प्रॉब्लम हो सकता, पानी जमा रहता है या फिर कुछ दूसरा किसी भी प्रॉब्लम हो सकता है हार्निया। तो इस हार्निया टेस्ट में क्या होता है, जो डॉक्टर्स खुद चेक करते हैं इसको, मतलब ठीक से चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि स्किप हो जाते हैं, खुद से चेक करते हैं टेस्टिकल्स। फीमेल के बारे में पता नहीं, क्योंकि उनका कैसे चेक किया जाता है वो तो मुझे पता नहीं है, मेल के बारे में बता रहा हूँ, अगर फीमेल कोई कैंडिडेट होगा तो सॉरी। तो टेस्टिकल चेक किया जाता है, अगर कुछ हार्निया प्रॉब्लम है तो क्या किया जाता है, अनफिट नहीं होता है, एक टाइम दिया जाता है कि एक महीना दो महीना या फिर ऑपरेशन करके तुम फिर से वापस आओ, हार्निया तुम निकल के तुम वापस आओ, तो तुम्हें फिर मेडिकल चेक किया जाएगा। तो इसमें अनफिट नहीं होते हैं, रीमेडिकल होते हैं, एक ऑपरेशन के लिए टाइम देते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। ये तो गया फिजिकल टेस्ट में। देखो फिजिकल टेस्ट में और क्या चेक होता है, ऐसे दो हाथ, हाथ का प्रेशर चेक किया जाता है। ऐसा हुआ कि मेरे साथ एक कैंडिडेट था, जो कैंडिडेट का कुछ साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसके वजह से इधर कुछ फ्रैक्चर हुआ है, तो उनको रीमेडिकल दे दिया था, लास्ट में दो तीन दिन बाद वो अनफिट हो गया, क्योंकि इसमें दोनों हाथ में प्रेशर सही से रहना चाहिए, ठीक है। ऐसे वो डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, दोनों हाथ का प्रेशर चेक करते हैं, अगर दोनों हाथ का प्रेशर ठीक से ना मतलब कम ऊपर नीचे हो गया, एक लिमिटेड प्रेशर के नीचे रहेगा हो गया किसी भी हाथ में, तो उसमें रीमेडिकल इशू होते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अनफिट होते हैं, रीमेडिकल इशू होते हैं, तो दोनों हाथ का फिटनेस चेक होते हैं, ठीक है, कुछ है कि नहीं। ये तो गया फिजिकल फिटनेस के ऊपर। और जो मेन टेस्ट है, देखिए ये आइस टेस्ट है, ये शॉर्ट में बता दिया, मेन टेस्ट है आइस टेस्ट, क्योंकि इसमें जनरली मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसमें बाहर निकल जाते हैं। देखिए इसमें क्या क्या है, फर्स्ट डिस्टेंट विजन, ये सारे जो विजन टेस्ट है ना, पहले ये हो जाएगा, आइस लास्ट में होगा। इसमें ये जो ब्लड टेस्ट है, इसके वजह से तुम्हें मतलब भूखा रहना पड़ेगा, कुछ खाओगे तो ब्लड टेस्ट में, तुम सबको पता है कि ब्लड टेस्ट के आगे जब तक टेस्ट नहीं होता है तब तक ब्लड जब तक नहीं लेते उसके आगे आगे कुछ खाना नहीं होता है, कुछ खाओगे तो इस ब्लड टेस्ट में शुगर टेस्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, इसलिए ब्लड टेस्ट तक भूखा रहना पड़ेगा। तो ये पहले ये सब कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट होने के बाद फिर आएगा आइस की टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए डिस्टेंस विजन, दोनों आँख में ही 6x6 जो नॉर्मल डिस्टेंट विजन है वो होना चाहिए। कुछ कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मेरा तो 6x6 एक आँख में है और एक आँख में नहीं है, तो क्या करें। देखिए इसमें तो 6x मतलब ALP में, आई टेस्ट में कोई छूट नहीं है, ठीक है, इसमें तुम्हें 100% फिट रहना है, ये मान के चलो इसमें 100% फिट रहना है। इसमें इधर उधर कुछ ऊपर नीचे हो जाए, ECG ऊपर नीचे हो जाए, टेंशन की वजह से होते हैं तो ठीक है चल जाते हैं, पर ये हार्निया टेस्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऑपरेशन करके आना पड़ेगा, चल जाते हैं। पर इसमें क्या है, आई टेस्ट में तुम्हें 100% फिट रहना है। तो जिनका पावर कुछ कम ज़्यादा है, बहुत कम ज़्यादा है, 6x9 में आ जाता है, तो उनको तो कुछ किया नहीं जा सकता, पर जिनका थोड़ा बहुत इधर उधर है उसके लिए एक सॉल्यूशन मेरे पास है, वो लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। फिर ये क्या, ये टेस्ट तो होगा फॉगी वेदर में टेस्ट होगा, एक मैंने एक शॉर्ट्स में जाओगे, मैंने एक वीडियो बनाया था कि कितना फॉगी वेदर रहता है जहाँ पर काम करते हैं, कितना फॉगी वेदर रहता है, तुम्हें खुद भी पता होगा कि कुछ जो जो टाइम आता है, ठंडे के टाइम आता है, मौसम आता है, उसमें इतना फॉग होता है कि आगे कुछ देख ही नहीं पाओगे, तो उस टाइम में भी हम लोगों को चलाना पड़ता है गाड़ी। इसलिए फॉगी टेस्ट होता है कि एक फॉग सा ग्लास दिया जाता है आँख के ऊपर, और वो उस फॉग डिवाइस के मतलब ग्लास के अंदर से ही तुम्हें जो इस ये कुछ देखना पड़ता है। मतलब पहले तो तुम्हें नॉर्मल खाली आँख से एक आँख से बंद करके ऐसे देखना पड़ेगा, एक आँख बंद करके ऐसे देखना पड़ेगा, सीख बाई सीख दोनों आँख में होना चाहिए, और फिर एक फॉगी ग्लास ऐसे डाल देगा एक आँख में, तो उस फॉग ग्लास से ही तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम आगे देख पाते हो कि नहीं, उसके ऊपर ही 6x6 कन्फर्म होते हैं कि 6x6 इनको नॉर्मल भी है और फॉगी टेस्ट में भी ये पास हुए,
ठीक है। फिर नियर विशन 6x6 दोनों आइस में भी होना चाहिए, इसमें भी दोनों आई होना चाहिए। ऐसे नज़दीक के जो कुछ पेपर होगा वो उनके पास डिवाइस होता है, ऐसे ही पढ़ने देते हैं, तुम्हें ऐसे पढ़ के बताना होगा क्या 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 लिखा है। अगर दोनों आँख से ऐसे बंद करके ऐसे पढ़ना होगा और फिर बंद करके ऐसे पढ़ना होगा। एक ग्लास पहना देता है, एक आँख खुला रहता है, एक आँख ओपन रहता है, तो उसमें तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। अगर होगा तो फिट हो जाओगे इसमें। कलर विशन, हाल ही में एक कैंडिडेट्स कमेंट करके पूछा है कि मुझे कलर विशन है तो क्या मैं एलपी में आ सकता हूँ। तो देखो भाई, सॉरी, कलर विशन अगर तुम्हें है, सच में है, और ये तुम कंफर्म हो, तुम एलपी की उम्मीद छोड़ दो, क्योंकि कलर विशन का कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ये जेनेटिक है, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है, कोई मेडिसिन खा के भी तुम ये सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो एलपी के लिए छोड़ दो, तुम टेक्नीशियन के लिए देख सकते हो। नेक्स्ट वीडियो टेक्नीशियन के मेडिकल के ऊपर होगा तो वो देख सकते हो, ठीक है। कलर विशन में तुम्हें 100% क्वालिफाई करना ही होगा, कलर विशन में कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। फिर बायनोकुलर विशन देखो, बायनोकुलर विशन क्या है, कुछ एनिमल्स है जो एक आँख से, मतलब दोनों आँख से, एक आँख से और कुछ, एक आँख से दोनों, मतलब दो चीज़ दोनों आँख से अलग अलग देखते हैं, और ह्यूमन क्या है, दोनों आँख से एक चीज़ देखते हैं, तो ये सही होना चाहिए बायनोकुलर विशन में, तो ये भी टेस्ट होते हैं। फिर नाइट विशन देखो, नाइट विशन तो भाई तुम्हें जब रात में गाड़ी चलाना होगा, आगे देखना होगा, तो तुम नाइट विशन अगर क्लियर नहीं हो, रात में कुछ नहीं देखते हो ना, तो बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम होता है, तो कैसे चला पाओगे ना। इसलिए नाइट विशन चेक होते हैं। नाइट रात में कुछ इधर उधर कुछ कलर वलर दिखाएगा तुम्हें, वो बताना पड़ेगा कि ये कहाँ कलर है, कुछ लाइट दिखाएगा तुम्हें, बताना पड़ेगा किस कलर की लाइट है, ऐसे तुम्हें नाइट विशन चेक किया जाएगा। फिर क्या, फील्ड विशन, नाइट विशन, ये सब चेक होते हैं। तो देखो, जो डिस्टेंस विशन है वो कैसे चेक करते हैं, कुछ ऐसा चार्ट होता है जहाँ पर एबीसी, जब तुम टेस्ट करने जाते हो किसी भी मेडिकल डॉक्टर के पास, मेडिकल जो है उसमें चेक करने जाते हो, तो उसमें देखोगे चार्ट दिखाएगा, सैलिन चार्ट, उसको देख के बताना पड़ता है कि ये ABCD पढ़ना पड़ता है। पर जनरली क्या है, रेलवे में जनरली सी, ऐसे सी के ऊपर चेक किया जाता है, मतलब सी को देखना पड़ता है, ऐसे सी ये किस डिरेक्शन में मुँह खुला है ये बताना पड़ता है, कैसे ऐसे रहेगा तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि नीचे खुला है, ऐसा रहेगा तो तुम्हें बोलना पड़ेगा कि बाएं खुला है, दाएं खुला है, ऊपर खुला है, ऐसे तुम्हें बताना पड़ेगा। तो ऐसे चेक होता है डिस्टेंस विशन, ठीक है। और क्या विशन है देखो, और क्या क्या चीज़ है, ऑपरेशन देखो, बहुत कैंडिडेट्स ऐसे बहुत कुछ ज़्यादा समझते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं आँख के ऑपरेशन कर लेते हैं, ये सोचते हैं कुछ पकड़ा नहीं जाएगा। जैसे लेसिक सर्जरी हुआ, ऑपरेशन नहीं चलेगा भाई। पहले के ज़माने की बात अलग था कि इतना इंस्ट्रूमेंट नहीं था, तो आज के ज़माने में ना इतना सारा, जब जाओगे ना इतना सारा इंस्ट्रूमेंट दे देगा कि तुम कि कोई भी, मतलब इधर कोई किसी भी बाईपास नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पावर ठीक करने के लिए लेसिक सर्जरी किए हो ना, तो भाई गलती हो गया। लेसिक सर्जरी या फिर किसी भी सर्जरी, ऑपरेशन रेलवे में पकड़ लेगा तुम्हें, ये नहीं होगा। कैटरक्स जो मोतियाबिंद है, जो ऐसे बढ़ते हैं, किसी का बाई बार्थ होते हैं, बाई ऐसा कुछ कैंडिडेट्स है जिनका बाई बार्थ मोतियाबिंद होता है, पर क्या है, वो बाई बार्थ है, जितना हुआ साइज उतना ही है, पर दोनों आँख से ही 6x6 देख सकते हैं। ऐसा कुछ कैंडिडेट्स का है, उन्हें भी रिमेडिकल इशू होता है, लास्ट में मेडिकल से अनफिट होते हैं, तो मोतियाबिंद नहीं होगा, मोतियाबिंद नहीं चलेगा, ठीक है, कैटरक्स नहीं चलेगा। तो ये तो रहा। और क्या है, और एक टेस्ट होते हैं जिसमें, ये जो टेस्ट है जिसमें ऐसे आँख के ऊपर ना, ये सब कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट होता है, जो जहाँ पर मशीन से ऐसे, जैसे ये सब चेक करते हैं आँख के अंदर मशीन से चेक करते हैं, उसमें क्या है, एक ऐसे ड्रॉपर लिक्विड देते हैं, पता नहीं इसका नाम क्या है तो पता नहीं, पर उसमें क्या है, नज़दीक से कुछ देख नहीं पाओगे तुम, नज़दीक से ऐसे पूरा मतलब कुछ देख नहीं पाओगे, दूर का तो देख पाओगे, नज़दीक का कुछ देख नहीं पाओगे। उसमें क्या होता है, उसके वजह से ये जो नर्व है, आँख की जो नर्व है वो थोड़ा ठीक से दिखाई देते हैं, जो मेडिकल टेस्ट जो मशीन से करते हैं तो उनको देखने में आसानी होते हैं, और या फिर और दूसरा किसी भी हो सकता है, किसी भी चीज़ हो सकता है, तो उस वो दे के ही एक मशीन के थ्रू ऐसे
आँख के नज़दीक से मशीन के थ्रू डॉक्टर चेक करते हैं, ठीक है। तो उसमें ही तुम्हें ये ऑपरेशन सब कटर सब पता चलेगा, उसमें ही पता चल जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। देखिए ठीक है, लास्ट में कुछ तुम्हारा क्वेश्चन ले लेते हैं कि हाइट मिनिमम कितना होना चाहिए, क्योंकि एआर मेडिकल स्टैंडर्ड में तो हाइट है, फिट है तो हाइट है, ये सब भी है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जो बीएसएफ आर्मी सीएसएफ इनके लिए हाइट बहुत मैटर करते हैं, पर असिस्टेंट लोको पायलट के लिए हाइट इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। ऐसा कोई हाइट उतना मैटर नहीं करता है, पर मिनिमम एक हाइट होना चाहिए। जैसे तुम गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी ऐसे देख रहे हो जब ड्यूटी के टाइम, तो वो जो मतलब लुकिंग ग्लास है वो एक मिनिमम हाइट में होते हैं। उस अगर तुम वो देख नहीं पाते हो ना, उसके नीचे तुम्हारा हाइट रहता है तो वो देख नहीं पाते हो, तो प्रॉब्लम है। तो तुम्हें मिनिमम खड़े होके वो हाइट से तुम्हें देखना होगा, तो इतना मिनिमम हाइट होना चाहिए। तो वो कितना है लेंथ वो तो एग्जैक्टली पता नहीं है, अगर बाद में पता चलेगा तो मैं बता दूंगा, ये मतलब किसी भी जगह तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा। तो ये हाइट उतना मैटर नहीं करता है। हियरिंग टेस्ट, देखो हियरिंग टेस्ट ऐसे तुम दोनों कान से सुनते हो कि नहीं, सुन पाते हो कि नहीं, वो देखते हैं। ऐसे नॉर्मल से बातचीत होते हैं तुम, अगर उसमें सब सुनाई दे, अगर तुम कुछ प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली तुम्हें ये सुन नहीं पाओगे। ऐसे देखते हैं आँख में कोई मशीन है कि नहीं, मशीन लगा के गए हो कि नहीं, वो देखते हैं। तो अगर तुम नॉर्मल तुम सुन पाते हो, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। या टेस्ट में वही देखते हैं, कान के अंदर देखते हैं कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, तुम अगर नॉर्मल सुन पाते हो तो या टेस्ट में भी फिट हो, हियरिंग टेस्ट में भी फिट हो, नॉर्मल सुन पाने विदाउट मशीन सुन पाते हो तो सब फिट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टीथ टेस्ट अलग से ऐसे कुछ नहीं होता है कि टीथ ऐसे दिखाओ, जैसे क्या होता है जो एयरफोर्स है उसमें टीथ टेस्ट होते हैं, इसमें उतना टीथ टेस्ट उतना मैटर नहीं है, क्योंकि अगर टीथ में कुछ प्रॉब्लम होगा तो तुम ठीक ही कर लोगे, इसका मेडिकल सॉल्यूशन है। तो टीथ टेस्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो ये सब टेस्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अच्छा सॉल्यूशन क्या है, देखो अभी क्या क्या प्रॉब्लम है। अगर तुम्हें डिस्टेंट विजन में कुछ 6x6 में प्रॉब्लम होते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स का ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो तुम क्या करोगे। देखो जैसा मुझे मतलब मैंने देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, गाजर मतलब सब तो टेंशन में होते हैं मेडिकल टेस्ट से पहले, सब टेंशन में होते हैं कि फिट होंगे कि नहीं, मेनली डिस्टेंट विजन को लेके। तो तुम गाजर जानते हो ना, वो गाजर खाना शुरू कर दो अभी से, डेली एक या दो दिन बाद एक गाजर खाना शुरू कर दो। ये गाजर में जो मतलब गाजर की वजह से आँख में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है, फोकस मतलब पावर में कुछ बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। तो ऐसे हल्का इधर उधर है ना कमी है, तो तुम्हें गाजर से सॉल्व हो जाएगा, तो तुम्हें गाजर खाना चाहिए। और इसमें क्या है, तुम ज़्यादा नहीं खाओ ना, ज़्यादा मत खाओ, ज़्यादा खाने से गैस हो सकता है और गैस की वजह से ये चेस्ट में दर्द पेन भी हो सकता है। तो अगर कभी भी चेस्ट में पेन होता है इसके गाजर खाने से वजह से तुम डॉक्टर्स के पास जाओ, वो जो दवा देता है देंगे वो खा लो, ठीक है। ज़्यादा मत खाओ गाजर, बीच मतलब दो तीन दिन या फिर हर रोज़ एक करके या एक दो दिन बाद एक एक करके खाओ, तो कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। अभी भी बहुत दिन बचा है तो अभी से खाना शुरू कर दो अगर कुछ है। देखो नियर विजन में भी वही गाजर खाने से सॉल्यूशन होता है। कलर विजन में तो कुछ नहीं हो सकता भाई, कलर विजन सॉरी इसके लिए जेनेटिक है, कुछ नहीं हो सकता है। तो और बाकी जो विजन है वो उतना सॉल्यूशन, नाइट विजन में ये सब ये गाजर खाने की वजह से बहुत सारे विजन में इम्प्रूवमेंट होगा, पर नाइट विजन में कितना इम्प्रूवमेंट होगा उसके बारे में पता नहीं। और ऑपरेशन अगर किए हो, लेसिक सर्जरी हो, किसी भी सर्जरी हो, तो कुछ किया नहीं जा सकता। कैटरेक्ट हो तो डॉक्टर्स की सलाह लेना, किया जा सकता है डॉक्टर्स की सलाह लेना, तो देखो बाद में क्या होता है। पर इसके वजह से ऑपरेशन हो गया तुम्हारा तो कुछ होगा नहीं, तो वो पकड़ लेगा और तुम्हें अनफिट कर देगा। अच्छा अब देखा जाए कि क्या क्या है, अब देखा जाए कि मेडिकल में ऐसे डायरेक्टली अनफिट होते हैं। देखो अनफिट तो डायरेक्टली नहीं होते हैं मेडिकल में ऐसे बोलते हैं कि कुछ भी किसी भी दो तीन दिन क्यों दिया रहता है। मेरा मेडिकल टेस्ट एक दिन में कंप्लीट हुआ था, पर दो तीन दिन का अरेंजमेंट करके जाना पड़ा था, क्योंकि क्या होता है मेडिकल टेस्ट में ऐसे अनफिट नहीं बोलते हैं। मेडिकल टेस्ट में क्या होता है, तुम्हें कुछ किसी भी प्रॉब्लम हो तो तुम्हें रीमेडिकल इशू करेगा, या फिर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जैसे ईसीजी का प्रॉब्लम। मेरा एक दोस्त का हो गया था ईसीजी का प्रॉब्लम, मतलब जितना दो तीन बार भी मौका मिला, दो तीन बार में भी वो ईसीजी में ग्राफ में कुछ चेंजेस ना हुआ,
तो उनको बोला कि इको करने के लिए, तो एपोलो में भेज दिया, नज़दीक में एक एपोलो था, एपोलो में भेज दिया, तो उधर से इको करके आया, तो इको में इम्प्रूवमेंट, इको में देखा गया कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सही है, ठीक है। तो तुम्हें डायरेक्टली मेडिकल में अनफिट नहीं दिया जाता है, मेडिकल में रीमेडिकल इशू होते हैं, रीमेडिकल में तुम्हें एक मेडिकल बोर्ड बैठा दिया जाता है, जहाँ पर 3-4 डॉक्टर्स है, जिन डॉक्टर अलग अलग से देखते हैं, अगर 3 डॉक्टर्स की 4 डॉक्टर्स की सहमति एक साथ हो कि ये मेडिकली फिट है, तो उन कैंडिडेट को फिट किया जाता है। या फिर उस मेडिकल में भी देखा जाए कि अनफिट होते हैं, तो उनको बोलते हैं कि किसी भी लाइसेंस है ऐसे किसी भी डॉक्टर से जाओ, ये लिखवा के आओ, जो एक फॉर्मेट होता है उसमें लिखवा के आओ कि ये तुम फिट हो। तो देखो, अगर तुम्हें प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो तुम्हें कोई डॉक्टर फिट, क्योंकि वो भी तो चेक करेगा ना, ऐसे सरकारी में जा रहा है वो सर्टिफिकेट, कोई भी डॉक्टर विदाउट चेकिंग के बिना तुम्हें ये सर्टिफिकेट नहीं देगा, क्योंकि अगर वो गलत दे दिया तो उनका करियर में भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ऐसे अगर तुम्हें जेन्युइन प्रॉब्लम है तो कोई भी डॉक्टर तुम्हें नहीं देगा। अगर तुम्हें लगता है कि रेलवे में जो मेडिकल टेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, या फिर डॉक्टर के ऊपर कोई शक है, तो तुम बाहर से मेडिकल टेस्ट करवा सकते हो, वो फॉर्मेट लेके तुम किसी भी डॉक्टर से करवा सकते हो। अगर वो रिपोर्ट जेन्युइन कर देता है तो तुम इसमें भी मेडिकल में फिट हो जाओगे, सही ना। तो ऐसे मेडिकल टेस्ट होता है, मेरा भी मेडिकल टेस्ट ऐसे ही हुआ था, कुछ इमेज इमेज होगा तो ऐसे इधर उधर स्क्रीन में दे दूंगा, तो देख सकते हो। तो अगर तुम्हारा कोई डाउट रह गया तो कमेंट करो, कोशिश करूँगा क्लियर करने के लिए, या फिर नेक्स्ट तुम्हारा डाउट को लेकर नेक्स्ट किसी वीडियो बनाऊँगा। तो बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।